हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए टाटा मोटर्स में एक बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है, और वो भी जैगुआर एंड लैंड रोवर सेगमेंट की तरफ से। जैसा कि आप जानते होंगे कि टाटा मोटर्स 600 रुपये का शेयर हुआ करता था और आज की डेट में 100 रुपये के आसपास आ चुका है। काफ़ी वोलेटाइल है शेयर, कभी अप मूवमेंट दिखाता है, कभी डाउन मूवमेंट ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन इसकी गिरावट का मेन कारण क्या है वो हर कोई जानता है कि जैगवार एंड लैंड रोवर इसकी दुखती नस है। और अभी ये जो खबर है अगेन जैगवार एंड लैंड रोवर से निकल के आ रही है, चलिए देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं टाटा मोटर्स के अपडेट्स के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, आप टाटा मोटर्स के शेयर को आप लगातार देख रहे होंगे, 600 के प्राइस पे था ये 2 सितंबर 2016, यानी कि 2 साल पहले। लेकिन इन दो साल के टाइम पीरियड में ये धीरे धीरे गिरता 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 गिरता, देखिए डेथ क्रॉस यहीं पे आ चुका था। जब इसकी प्राइसिंग 500 से के आसपास ही थी तब ये डेथ क्रॉस ऑलरेडी आ चुका था। दोबारा पॉजिटिव टर्न शेयर ने लिया नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरता गिरता अभी के टाइम पे 100 रुपये के आसपास आ चुका है। बीच में एक बार अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता, शेयर ने अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को पार करके 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिन ये चला, कुछ दिन बाद फिर से वापस शेयर नीचे धकेला गया। ये मान के चलिए कि 129 के लेवल से शेयर 240 के लेवल तक चला गया था, फिर वापस शेयर ने नीचे गिरावट की अंगड़ाई ली और नीचे गिरता गिरता ये अभी रिसेंट जो इसका फॉल हुआ है यहाँ पे ये 106 के लेवल तक जा चुका है, 106 के लेवल तक। थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद से पहले देखिए जंप लिया था, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती वाले दिन देखिए बढ़िया जंप लिया था, लेकिन फिर से शेयर नीचे आया। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला था इसको इलेक्ट्रिक बसेस का, शेयर ने फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में ये फिर से गिरावट की ओर चल बसा है। क्या शेयर इसी तरीके से अप डाउन और गिरावट दिखाते रहेगा? अब आप खुद देख लीजिए शेयर को क्या अपडेट आ रही है। और यहाँ पे टेक्निकली तो मुझे काफ़ी वीक ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोशिश जरूर करी थी इसने 50 डे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की, लेकिन वो रेजिस्टेंस का ही काम करने लग गया और वापस शेयर नीचे आ गया। अब ये तो ठीक है, लेकिन जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, टाटा मोटर्स डिप्स 3% आफ्टर जैगवार एंड लैंड रोवर यूके सेल डिक्लाइन इन सितंबर। जैगवार एंड लैंड रोवर के सेल्स के नंबर्स आ चुके हैं, तो जैगवार की सेल 14% डाउन है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो, जहां पे 6052 यूनिट्स हो चुकी है जैगवार की सेल। और लैंड रोवर की सेल जो है वो मात्र 0.3% डाउन है, 12791 यूनिट्स व्हीकल्स बिके हैं लैंड रोवर के, ये देखिए आप। और ये तो ग्लोबल सेल्स की बात हो रही है, और टाटा मोटर का शेयर गिरना ही था, खैर आज तो मार्केट भी नीचे आई थी। तो उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखिए जैगवार एंड लैंड रोवर यूके सेल्स ड्रॉप सितंबर में भी गिरा है, तो एक मेजर कंसर्न अभी भी बना हुआ है टाटा मोटर्स के लिए। शेयर रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जैगवार एंड लैंड रोवर नाम की ये चीज़ बीच में आ जाती है और शेयर को नीचे धकेल देती है। आज की डेट में 116.90 का लो बनाया था इसने, देखिए बिल्कुल। और द लग्जरी कार मेकर सोल्ड 18,843 यूनिट्स इन यूनाइटेड किंगडम, जो ये सितंबर में इसने बेची है यूके में, एंड जो कि 5.2% डाउन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जैकिन लास्ट ईयर ये 19,874 यूनिट्स थी। जैगवार सेल्स ऑलरेडी 14% डाउन है, 0.3% लैंड रोवर की सेल्स डाउन है। और अगर आप देखें टाटा मोटर्स ने 48% डिक्लाइन लास्ट वीक भी दिखाया था अपने टोटल सेल्स में, जो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल की सेल में थी, वहाँ 48% डाउन दिखाया था। तो मतलब जो कंसर्न्स हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, डोमेस्टिक सेल्स की बात की जाए तो ये 50% डाउन थी, 32,376 यूनिट्स बिकी थी सितंबर में, देखिए 50% डाउन है ये सेल्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो, चाहे डोमेस्टिक सेगमेंट हो, क्योंकि डोमेस्टिक सेगमेंट में इंडिया के अंदर भी पूरा ऑटो सेक्टर ख़त्म पड़ा है, और यहाँ पे चाहे वो आपका जैगवार एंड लैंड रोवर इसका ग्लोबल सेगमेंट हो, तो टाटा मोटर्स उभरने का नाम नहीं ले रहा। ऑल्दो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि अहमदाबाद से इसको 300 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है, इलेक्ट्रिक बसेस में सही कर रहा है, लेकिन अभी जो मेजर कंसर्न्स हैं शॉर्ट टाइम पे अभी बहुत पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है, मैं तो यही कहूँगा। अब फिलहाल आज का कारोबार अगर मैं देखूँ तो टाटा मोटर्स का किस तरीके से आज का कारोबार हुआ वो भी ध्यान दे दीजिए एक बार।
117.40 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है आज ओपन। ये 120 के लेवल पे जरूर हुआ था क्योंकि लास्ट यहाँ पे फ्राइडे को ये 119 पे क्लोज हुआ था। हाई इसने 120.55 का बनाया था, कोई ज़बरदस्त हाई भी नहीं बनाया, लेकिन लो 116 के आसपास का लो बनाया है। स्टॉक की अगर बात करें तो कितनी वैल्यू ट्रेड हुई है, 420 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में ट्रेड हुई है। और नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं आप क्लियरली देख सकते हो कि 3,54,00,000 शेयर्स जो हैं ट्रेड हुए हैं, और ट्रेडेड जो डिलीवरी हुई है वो 60 लाख शेयर्स की डिलीवरी आज की डेट में है, जो कि 16 से 17% के आसपास है ये। चलिए ये तो हमने देखा इसका आज का कारोबार, और एक नज़र शेयर को मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ कहाँ पे, इस शेयर के ऑप्शन चेन के डाटा पे। ऑप्शन चेन हमें क्या कहती है, देखिए ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो पुट राइटिंग एक कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग वो लोग यहाँ पे पुट राइट करते हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो कि ये चाहते हैं कि ये सोचते हैं, उनके जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि स्टॉक गिरेगा और गिर के एक स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से वो लगाते हैं कि भाई 105 के लेवल तक गिरेगा, 110 के लेवल तक गिरेगा। और कॉल राइटिंग वो लोग करते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक जो है वो बुलिश मूवमेंट दिखाएगा, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। तो फिलहाल की अभी मैं पुट राइटिंग अगर देखूं तो मुझे जो 115 के लेवल की पुट राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 19 लाख शेयर्स दिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर्स जो यहाँ पे है 110 का हिसाब किताब लगा के बैठे हैं, और यहाँ पे 105 पे भी 10 लाख जो है पुट राइटिंग पड़ी हुई है, और 19 लाख मुझे यहाँ पे 100 के लेवल पर दिख रही है। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 100 के लेवल तक भी आ सकता है, लेकिन अब जरा नज़र डालते हैं कॉल राइटिंग वाले पे, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए कॉल राइटिंग वाले यहाँ पे मुझे बड़ा कॉल राइटिंग जो दिख रहा है वो 130 के लेवल पे, यानी कि करंट जो लेवल है 117 का है, यहाँ से 13 रुपये जंप ऊपर दिख रहा है, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकता है वो। और दूसरा यहाँ पे 41 लाख्स की ओपन इंटरेस्ट जो ओपन पड़ी है वो 140 के लेवल पर पड़ी है, वो 43 लाख्स कहाँ पे थी, 130 के लेवल पे। और इवन मैं यहाँ पे अगर नंबर्स देखो तो 150 के लेवल पे भी आपको यकीन नहीं होगा 28 लाख्स ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी पड़ा है, और 160 के लेवल पे भी। मतलब लोग काफी लोग यहाँ पे बुलिश जोन में है, बहुत ही बढ़िया भाई, इतने लोग बुलिश जोन में, मतलब इतने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर अपसाइड मोमेंटम देगा, और यहाँ तक कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए सारे पॉजिटिव नए नए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब एक नज़र फिर से टेक्निकल्स को देखिए और देखिए सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। सपोर्ट की जैसे हम बात कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट की, हम बात कर रहे थे तो 105 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इसीलिए पुट राइटिंग हो रही है, तो गिरेगा तो यहाँ पे आके अटकेगा, क्योंकि हमें पुट राइटिंग ये बताती है कि शेयर कहाँ तक गिर सकता है। और 130 का जो हम लेके चल रहे पॉइंट, तो देखिए 130 से 135 के आसपास मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 135 से 140 के आसपास का इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसके लेवल पे भी लोग लेके चल रहे हैं, और ऊपर इससे बड़ा जो है 150 की रेंज हमें क्लियरली दिख रही है, तो 150 140 की रेंज में इसीलिए ज़्यादा कॉल राइटिंग है। आप ये क्लियरली देख लीजिए, 150 में अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और 140 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, यही रीजन है, और 130 पे भी आप देख सकते हो। तो यही चीज़ें लोग इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके देख के समझ के ही कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग यहाँ पे करते हैं, और टाटा मोटर्स की फिलहाल हालत डाउन है, ये आपने क्लियरली देखा है इन सब डेटा से। ये देखिए, और जैगवार एंड लैंड रोवर की कुछ टाइम पहले सेल की भी बात हो रही थी कि ये यूनिट टाटा मोटर्स अपना बेचेगा, और जैसे कि मैं कह रहा था कि जैगवार एंड लैंड रोवर यानी कि JLR एक मेजर कंसर्न रहा है। तो ये देखिए, ये जो इनके राल्फ स्पैच जी हैं ये कह रहे हैं कि जो चाइना में प्रोडक्शन सेल नहीं हो रही चाइना में, उसका अभी जो वर्स्ट है वो ओवर नहीं हुआ है अभी, मतलब कि जो तलवार लटकी पड़ी है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये जगवार एंड लैंड रोवर चाइना से रिपोर्ट आ रही है, जो ग्लोबल CEO हैं राल्फ स्वेथ जगवार एंड लैंड रोवर के, उनका कहना है। इसके अलावा आप ये देखिए क्या अपडेट इसमें है, फिलहाल जो ये अपडेट देखने को मिल रही है, एक हफ्ते तक प्लांट बंद रहेगा, JLR टू सस्पेंड प्रोडक्शन इन UK प्लांट्स फॉर अ वीक इन नवंबर। नवंबर में एक हफ्ते तक प्लांट बंद रहने का यहाँ पे अनाउंसमेंट है, और वहाँ पे UK में एक ही कंसर्न नहीं है कि भाई प्रोडक्ट सेल कम हो रही है, एक मेजर कंसर्न और है, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के बारे में जरूर आप जानते होंगे, बहुत साल से ये टर्म चली आ रही है, ब्रिटेन एग्जिट ब्रिटेन एग्जिट, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, तो भाई ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से इनको प्रोडक्शन सस्पेंड करना पड़ रहा है। तो एक तो परेशानी ऊपर से और ये मुसीबतें सामने आ रही है, तो कुछ भी रिवाइवल का चीज़ें दिख नहीं रही है। ये देखिए आप,
चाइना जैगवार एंड लैंड रोवर, यूके ब्रेग्जिट, डोमेस्टिक में इंडिया में भी सेल कम होगी, पहले इंडिया में तो चल रहा था थोड़ा बहुत, वहां पे भी सेल कम होगी, तो कहीं से उम्मीद की किरण अभी नहीं दिखाई दे रही है टाटा मोटर्स के रिवाइवल के लिए। तो फिलहाल हम भी एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये शेयर थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा, 100 के लेवल पर आने की कोशिश कर सकता है धीरे धीरे अप डाउन करता करता ये शेयर भी। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी अपनी राय, क्या सोचते हो आप टाटा मोटर्स के बारे में, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।